डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.1 जो कि संबंध एवं फलन पर आधारित क्वेश्चन सॉल्व किया जा रहा है। पिछले लेक्चर तक हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक सलूशन कर दिया है, आज हम क्वेश्चन नंबर 9 से सलूशन करेंगे। उम्मीद है कि आपने पिछला क्वेश्चन सब कंप्लीट कर लिया होगा। अगर नहीं आपने इसकी प्रैक्टिस की है, नहीं तैयारी की है, उसको दोबारा देखें वरना दिक्कत हो सकती है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय a इक्वल टू x बिलोंग्स टू z सच दैट x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लेस देन आर इक्वल टू 12 दिए गए निम्नलिखित संबंधों r में से एक संबंध r इक्वल टू ab सच दैट a माइनस b 4 का गुणज है, दूसरा संबंध r इक्वल टू ab सच दैट a इक्वल टू b। यानी इस क्वेश्चन में दो पार्ट, तो पहले क्वेश्चन को हम पहले सॉल्व करते हैं। तो पहले सेट हम लिख लेते हैं, पहला पार्ट सेट के इक्वल टू दिया हुआ है एक्स बिलोंग्स टू जेड सच दैट जीरो इज लेस देन एक्स लेस देन आर इक्वल टू 12 में दिया हुआ है। ये किस फॉर्म में दिया हुआ है? समुच्चय निर्माण यानी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे। दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4 कहाँ तक, इसमें 12 तक। रिलेशन हमारा है, रिलेशन r इक्वल टू ए बी सच दैट मॉड ऑफ a माइनस बी या मॉड प्लस a माइनस बी 4 का a गुणज है, माने मल्टीपुल। रिलेशन हमारा जो डिफाइन है सेट इन ए, वो ए बी है। तो ए बी जो होगा, जो ए और बी के एलिमेंट होंगे, तो जो इसमें से इसको माइनस करेंगे यानी ए माइनस बी निकालेंगे, मॉड ऑफ ए माइनस बी निकालेंगे, जो आएगा वो 4 का गुणज होना चाहिए। तो आप देखते हैं, देख ली। तो अब हम इसमें एलिमेंट निकाल ले रहे हैं सारे रिलेशन के, ऑर्डर पेयर। तो पहला तो हो जाएगा 0, 0, क्योंकि 0 माइनस मॉड ऑफ 0 माइनस 0 इक्वल टू 0 जो 4 का मल्टीपुल है, गुणज है। दूसरा ले लेते हैं, दूसरा हो जाएगा 1, 1 हो जाएगा, 1, 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मॉड ऑफ 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 और 0 जो है 4 का गुणज है। ऐसे ही 2, 2 हो जाएगा, 2 माइनस 2 मॉड ऑफ 2 माइनस 2 इक्वल टू 0 और 0 जो है 4 का गुणज है। डॉट 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 ऐसे ही हो जाएगा 12, 12 12 माइनस 12 इक्वल टू मॉड ऑफ 12 माइनस 12 इक्वल टू 0 और 0 4 का मल्टीपुल है, गुणज है, कामा। अब देखते हैं क्या आएगा। अब जीरो के साथ क्या लिया जाए, 0, 1 अगर हम लेते हैं तो मॉड ऑफ 0 माइनस 1 इक्वल टू 1 आ जाएगा और 1 जो है 4 का गुणज नहीं है। 0, 2 लेते हैं ऑर्डर पर, तो 0 माइनस 2 इक्वल टू 2 होगा जो 4 का मल्टीपुल नहीं है, 0, 3 भी नहीं है। अब 0, 4 है, 0, 4 है। क्यों? क्योंकि मॉड ऑफ 0 माइनस 4 इक्वल टू 4 और 4 जो है 4 इक्वल टू 4 इंटू 1, तो 0, 4 है तो 4, 0 भी होगा। बात समझ आ रही है? फिर आगे एलिमेंट लिख रहे हैं, उसके बाद 0, 8, 0, 5 नहीं होगा, 0, 6 नहीं होगा, 0, 7 नहीं होगा, 0, 8 होगा। तो 0, 8 लिख लेते हैं, 0, 8 लिख लिया इसके अंदर, क्योंकि मॉड ऑफ 0 माइनस 8 इज इक्वल टू 8 और 8 इज इक्वल टू 4 का मल्टीपुल है, 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। मतलब 0, 8 है तो 8, 0 भी होगा, 8, 0 भी हो जाएगा। अब 0, 9 नहीं होगा, 0, 10 नहीं होगा, 0, 11 नहीं होगा, 0, 12 होगा, क्योंकि मॉड ऑफ 0 माइनस 12 इज इक्वल टू 12 और 4 की आए 12 यानी 4 इंटू 3 0 12 हो गया और 12 0 भी इसका एलिमेंट हो गया। अब 1 से शुरू करते हैं, 1
10, क्योंकि हमारा यही तो है रिलेशन, रिलेशन हमारा यही है, ए सेट ए है, दूसरा सेट ए है, इसके अंदर एलिमेंट हैं 0, 1, 2, 3 डॉट 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 12 तक, 0, 1, 2, 3 डॉट 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 12 तक रिलेशन हमारा आर है, आर फ्रॉम ए टू ए है। 0 का 0 से हो गया, 0 का 1 से हो जाएगा, 0 का 2 से होगा, 0 का 3 से होगा, 0 से सब इस तरह से होगा। ऐसे 1 का 0 से, 1 का 1 से, 1 का 2 से, 1 का 3 से, ऐसे 2 का, तो इस तरह से रिलेशन हम जो है इसका ऑर्डर पेयर निकाल रहे हैं। तो 0, 12 हो गया। अब 1 से शुरू करेंगे, 1 1 0 1 माइनस 0 इक्वल टू 1, मल्टीपल नहीं है। 1 2 1 माइनस 2 इक्वल टू 1 आ जाएगा, 2 माइनस 1 इक्वल टू 1 आ जाएगा, 1 3 1 4 1 5 होगा। क्यों? क्योंकि मॉड ऑफ 1 माइनस 5 इक्वल टू 4, और 4 जो है मल्टीपल है, तो 5 1 भी हो जाएगा। फिर आ जाइए 1 का 6 1 7 1 8 1 9 1 9 होगा। क्यों? क्योंकि 1 mod of 1 minus 9 is equal to 8, 8 is equal to 4 into 2, मल्टीपुल है, तो 1 9 है, तो 9 1 भी हो जाएगा। फिर आ जाइए 1 10 नहीं होगा, 1 11 नहीं होगा, और 1 12 ये भी नहीं होगा। तब आते हैं, 2 से शुरू करते हैं, तो 2 0 2 minus 0 is equal to 2, मल्टीपुल नहीं है। 2 1 2 minus 1 is equal to 1, 2 minus 2 तो हो गया हमारा, 2 3 2 4 2 5 2 6 होगा, 2 6 होगा, क्योंकि तो 2 6 हो गया, तो 6 2 भी आ जाएगा इसमें। अब देखते हैं 2 का किससे है, 2 6 हो गया, और 2 7 2 8 2 8, तो 6 आ जाएगा, 2 9 2 10, हाँ 2 10 आएगा इसमें। क्यों आएगा? क्योंकि मॉड ऑफ 2 माइनस 10 इक्वल टू 8, और 8 जो है 4 का मल्टीपल है, गुणज है, तो 2 10 है इसमें, 10 2 भी हो जाएगा। बस बना रही है। अब 2 11 नहीं होगा, 2 12 2 12, 2 माइनस 12 इक्वल टू मॉड ऑफ 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, तो 10 जो है 2 4 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए नहीं लिया जाएगा। अब 3 से चेक करते हैं, 3 0 3 1 3 2 3 3, तो 3 3 तो हो चुका है, 3 4 3 5 3 6 3 7 3 7 आएगा, 3 7 आएगा, क्योंकि मॉड ऑफ 3 माइनस 7 इज इक्वल टू 4, और 4 जो है मल्टीपल है, जब 3 7 आएगा इसमें 7 3 भी हो जाएगा। अब 3 8 नहीं होगा, 3 9 नहीं होगा, 3 10 नहीं होगा, 3 11 मॉड ऑफ 3 माइनस 11 इक्वल टू मॉड ऑफ 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 8 मल्टीपल है, इसका मतलब 3 11 आएगा इसमें, 3 11 है तो 11 3 भी हो जाएगा, ठीक है। अब 3 12, तो 3 माइनस 12 9 आ जाएगा, वो मल्टीपल नहीं है 4 का। अब आते हैं 4 से, तो 4 0 4 0 हो गया हमारा, 4 1 4 2 4 3 4 4, तो 4 4 भी हो चुका है, 4 5 4 6 4 7 4 8 होगा इसमें, 4 8 मॉड ऑफ 4 माइनस 8 इज इक्वल टू 4, और 4 मल्टीपल है, तो 8 8 4 भी हो जाएगा इसमें, 4 9 नहीं होगा, 4 10 नहीं होगा, 4 11 नहीं होगा, 4 12 होगा। क्यों होगा? क्योंकि मॉड ऑफ 4 माइनस 12 इज इक्वल टू 8, 8 जो है मल्टीपल है, तो 4 12 4 भी हो जाएगा इसमें, ठीक है। अब 5 5 को चेक करते हैं, तो 5 1 5 1 तो हो गया है, 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5 7 5 8 5 9 5 9 होगा, तो 9 5 भी होगा, ठीक है। 5 10 5 11 5 12 नहीं होगा। अब 6 चेक करते हैं, 6 1 6 1 6
सिक्स माइनस वन इक्वल टू फाइव आ जाएगा, मल्टीपल नहीं है, सिक्स माइनस वन इक्वल टू फोर, तो सिक्स टू तो हो चुका है, सिक्स थ्री नहीं होगा, सिक्स फोर नहीं होगा, और सिक्स फाइव, सिक्स सिक्स हो चुका है, सिक्स सेवन, सिक्स एट, सिक्स नाइन और सिक्स टेन, सिक्स टेन हमारा होगा, सिक्स टेन होगा, क्योंकि मॉड ऑफ सिक्स माइनस टेन इक्वल टू फोर, और फोर मल्टीपल है, और टेन सिक्स, टेन सिक्स भी हो जाएगा, सिक्स टेन हो गया, सिक्स इलेवन नहीं होगा, सिक्स ट्वेल्व भी नहीं होगा, तो ट्वेल्व तक ही है हमारा। फिर सेवन चेक करते हैं, सेवन वन नहीं, सेवन टू नहीं, सेवन थ्री, सेवन थ्री होगा, सेवन थ्री होगा, क्यों होगा, मॉड ऑफ सेवन माइनस थ्री इक्वल टू फोर, जो कि मल्टीपल है, तो थ्री सेवन भी हो जाएगा, ठीक है, तो सेवन थ्री, सेवन फोर नहीं, सेवन फाइव, सेवन सिक्स, सेवन सेवन हो चुका है, सेवन एट, सेवन नाइन और सेवन टेन नहीं होगा, सेवन इलेवन होगा, क्योंकि मॉड ऑफ सेवन माइनस इलेवन इज इक्वल टू फोर आ जाएगा, और फोर मल्टीपल है, तो इलेवन सेवन भी हो जाएगा, ठीक है, सेवन इलेवन हो गया, सेवन ट्वेल्व नहीं होगा। अब एट से चेक करते हैं, एट वन, एट वन नहीं होगा, एट टू नहीं होगा, एट थ्री, एट फोर, एट फोर होगा, क्योंकि एट फोर हमारा हो चुका है। अब नाइन, नाइन से चेक, नाइन से चेक करते हैं, नाइन वन, नाइन वन, तो नाइन वन होगा, नाइन माइनस वन, तो नाइन वन होगा, क्योंकि नाइन माइनस वन इज इक्वल टू एट, मल्टीपुल है, तो वन नाइन भी हो जाएगा इसका, ठीक है। नाइन टू नहीं, नाइन थ्री नहीं, नाइन फोर नहीं, नाइन फाइव, नाइन फाइव होगा, लेकिन नाइन फाइव आ चुका है, नाइन सिक्स, नाइन सेवन, नाइन एट, नाइन नाइन, नाइन टेन, अब इस तरह से नहीं होगा। अब टेन का देखते हैं, टेन एलेवन ट्वेल्व, अब बाकी सब जो है, टेन का हो जाएगा, टेन वन, टेन टू, टेन थ्री, टेन फोर, तो टेन फोर भी हो चुका होगा शायद, टेन फोर, टेन फोर तो नहीं होगा, टेन फाइव, टेन सिक्स, तो टेन सिक्स हो चुका है, सिक्सटीन भी हो चुका है, और इसका मतलब जो है, अच्छा वन नाइन भी हो चुका है यहाँ पर, नाइन वन भी हो चुका है, रिपीट हो रहा है यहाँ पर, जो रिपीट हो रहा है उसको मिटा देंगे, वन नाइन यहाँ पर आ रहा है, और वन नाइन हमारा हो चुका है, इसको मिटा देंगे हम, एक्स्ट्रा लिख उठा है, एलेवन सेवन, एलेवन सेवन, तो एलेवन सेवन नहीं है, और थ्री सेवन, सेवन थ्री, ये भी यहाँ पर आ चुका है, ये लिख चुके हैं हम यहाँ पर, एक्स्ट्रा लिख उठा है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से हमारा जो है ये रिलेशन का सेट आ गया, इसके सारे एलिमेंट आ गए, क्लियर। तो अभी एक और हो गया यहाँ पर, एट ट्वेल्व भी होगा इसमें, एट ट्वेल्व होगा, और ट्वेल्व एट भी होगा, क्योंकि ट्वेल्व माइनस एट इजिकल टू फोर, जो कि मल्टीपुल है। इस तरह से हमारे रिलेशन में इतने सारे एलिमेंट हो गए। अब जब एलिमेंट मालूम हो गए, यानी रोस्टर फॉर्म में आ गया रिलेशन, तो चेक करना बहुत आसान है। क्या चेक करना हमको, हमको चेक करना है प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है, तो तुल्यता संबंध के लिए क्या निकालेंगे, पहले लिखेंगे सतुल्य के लिए, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सतुल्य के लिए, सतुल्य के लिए क्या हो जाएगा, ए बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए, ये हो गया, ए बिलोंग्स टू आर, तो यहां पर देख लीजिए, जीरो जीरो, वन वन, टू टू, थ्री थ्री, सब है, बारह बारह तक, तो लिखेंगे क्योंकि जीरो जीरो कामा, वन वन कामा, टू टू डॉट डॉट डॉट, ट्वेल्व ट्वेल्व बिलोंग्स टू आर, एम्प्लाइज दैट आर स्वतुल्य, स्वतुल्य है, बात हो गई। ये तो हमने जब रिलेशन निकाल लिया, अगर आप रिलेशन ना निकालना चाहते हो, ऐसे ही लगाना चाहते हो, तो हम उसका दूसरा तरीका बता रहे हैं, तो ऐसे लगाया जाएगा आर करके, दिया हुआ है ए बी रिलेशन इज इक्वल टू ए बी सच दैट
ये मॉड ऑफ ए माइनस बी चार का एक गुणज है, तो स्वतुल्य के लिए क्या होना चाहिए, ए ए होना चाहिए। तो ए माइनस ए अगर लेते हैं तो ए माइनस ए इक्वल टू जीरो, और जीरो जो है चार का गुणज है, तो लिखेंगे मॉड ऑफ ए माइनस ए इक्वल टू जीरो, जो कि चार का गुणज है। इंप्लाइज दैट ए बिलोंग्स टू आर, इंप्लाइज दैट आर 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 जो है क्या है, स्वतुल्य संबंध है। आप इसको ऐसे भी लगा सकते इन लाइन। अब क्या चेक करेंगे, सममित क्योंकि रिलेशन में हमारा सममित किसे कहते हैं, कि यदि ए बी बिलोंग्स टू आर तो क्या होना चाहिए, उसमें बी ए भी होना चाहिए। अगर रिलेशन में ए बी है तो उसके अंदर बी ए भी होना चाहिए। तो आप देखिए जीरो जीरो का जीरो जीरो ही होगा, है ना, जीरो फोर है तो फोर जीरो है, जीरो एट है तो एट जीरो, जीरो बारह है तो बारह जीरो, एक पांच है तो पांच एक है, एक नौ है तो नौ एक है, दो छह है तो छह दो है, दो दस है तो दस दो है। यानी कहने का मतलब है कि हर ग्रुप का, हर पेयर का, हर कर्मित युग्म का सममित इसमें सिमेट्री दी हुई है, सममित दी हुई है। तो लिखेंगे, चाहो तो आप लिख सकते हो, चूंकि क्योंकि जीरो और बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट फोर जीरो बिलोंग्स टू आर, है ना, ऐसे ही जीरो एट बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट एट जीरो बिलोंग्स टू आर, ऐसे ही फाइव वन वन फाइव बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट फाइव वन बिलोंग्स टू आर, ऐसे ही डॉट 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 सारे एलिमेंट को आप लिख सकते हो, लेकिन सारे की लिखने की जरूरत नहीं है। तो अगर ऐसा है तो सममित होगा, रिलेशन क्या होगा, सममित होगा। इसी क्वेश्चन को ऐसे भी आप लगा सकते हो ओ आर आर करके। अगर कब ऐसा लगाएंगे, अगर हमको रिलेशन का एलिमेंट ना मालूम होता, एलिमेंट मालूम है तो ऐसे लिख लेंगे। यहां पर ऐसे हो जाएगा इम्प्लाइज दैट आर आर क्या है, सममित है। लेकिन इसको अगर ये सारे एलिमेंट ना मालूम होते, रिलेशन के ऑर्डर पेयर ना मालूम होते, तो इसको हम ऐसे लगा सकते हैं, माना ए बी क्योंकि यही है, ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट बी ए बिलोंग्स टू आर, तो ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट, तो मॉड ऑफ ए माइनस बी जो है क्या है, ये डिफिनेशन हमारी है, मॉड ऑफ ए माइनस बी जो है चार का गुणज है, ए माइनस बी चार का गुणज है, मल्टीपल ऑफ फोर है, इम्प्लाइज दैट। अब देखिए मॉड ऑफ ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, माइनस ए माइनस बी है, इसको लिख सकते हैं बी माइनस ए, बी माइनस ए, बी माइनस ए मॉड ऑफ ये भी जो है चार का गुणज है। क्यों, इम्प्लाइज दैट क्योंकि मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स होता है, ये फार्मूला है। तो मॉड ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस माइनस ऑफ बी माइनस ए लिख दिया हमने, तो हो जाएगा दिस इज इक्वल टू आ जाएगा दिस इज इक्वल टू हो जाएगा मॉड ऑफ बी माइनस ए, ये चार का गुणज होगा, चार का गुणज है, इम्प्लाइज दैट बी ए बिलोंग्स टू आर। यही था कि यदि ए बी बिलोंग्स टू आर तो बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। क्लियर हो गया है। अब आते हैं हम चेक करते हैं संक्रामकता चेक करते हैं, जिसके संक्रामक चेक करेंगे। संक्रामक के लिए
संक्रामक के लिए क्या बताया गया है, यदि AB belongs to R तथा BC belongs to R तो क्या होना चाहिए, AC belongs to R होना चाहिए for all ABC belongs to set A। ये संक्रामक के लिए कंडीशन बार बार आप देख रहे हो और क्वेश्चन में इसी जरूरत पड़ती है। अब AB आप देखिए यहां पर क्योंकि हमारे रिलेशन के सारे एलिमेंट मौजूद हैं इसी में से चेक कर ले रहे हैं, तो 0011 का तो 00 का हो ही जाएगा, 11 का हो जाएगा, 22 का हो जाएगा, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। अब 04 है और 40 है, 04 40 ठीक है, तो यहाँ 4 है, हम 4 है तो क्या आ जाएगा, 0 0 इसमें आना चाहिए, 00 है ही है, क्लियर। इसका मतलब जो है ये संक्रामक है, 0880 ऐसे ही 0880 8 है तो 00 होना चाहिए इसमें, तो 00 है इसमें, इसका मतलब इसके लिए भी सही है संक्रामक। अब ऐसे ही अटेंडम और ले रहे हैं 15 15 तो 51 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है तो क्या होना चाहिए, 11 होना चाहिए, हमारा 11 आना चाहिए, तो 11 है कि नहीं, देखिए 11 है। ऐसे ही अटेंडम और कुछ ले रहे हैं 210 210 10 2 भी है, तो देखिए यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 10 है, तो हमारा क्या एलिमेंट होना चाहिए उसके अंदर, रिलेशन के अंदर 22 होना चाहिए, तो 22 हमारे पास है। ऐसे ही और ले रहे हैं 59 तो 95 भी हमारे पास है, 9 यहाँ है, 9 यहाँ है, तो 55 होना चाहिए इसमें, तो 55 भी है। ऐसे ही हर एलिमेंट को आप चेक करेंगे तो संक्रामक की जो कंडीशन है वो फिलफिल होगी, तो इससे इस तरह से और निकाल सकते हैं आप, ऐसे इम्प्लाइज दैट लिखेंगे आर जो है आर संक्रामक है, लेकिन अगर आपने एलिमेंट ना निकाला होता रिलेशन का तब तरीका क्या था लगाने का, क्योंकि एलिमेंट निकालने में तो बहुत आसान हो जाता है, लेकिन अगर सपोज आपने एलिमेंट नहीं निकाला यहीं से आप सॉल्व करना चाहते हैं तो उसके लिए लिखेंगे माना वार आर करके लिखेंगे इस क्वेश्चन को, इसलिए हम बता दे रहे हैं माना ए बी बिलोंग्स टू आर, माना ए बी बिलोंग्स टू आर तथा बी सी बिलोंग्स टू आर, इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए माइनस बी, मॉड ऑफ ए माइनस बी तथा मॉड ऑफ बी माइनस सी, चार का गुणज होगा। क्यों भाई, ये तो डिफिनेशन है हमारी कि ए बी बिलोंग कर रहा है तो मॉड ऑफ ए माइनस बी चार का गुणज है, तो ए माइनस बी भी चार का गुणज होगा और बी माइनस सी भी चार का गुणज होगा, इम्प्लाइज दैट। अब देखिए मॉड ऑफ ए माइनस बी है, इसको हमने जोड़ लिया प्लस बी माइनस सी, देखिए मॉड ऑफ ए माइनस बी की जो वैल्यू आ रही है वो चार की मल्टीपुल है, मॉड ऑफ बी माइनस सी की वैल्यू जो आ रही है वो भी चार की मल्टीपुल है, तो दोनों को अगर जोड़ देंगे तो योगफल जो आएगा वो भी चार का मल्टीपुल ही होगा। सपोज मैं कह दे रहा हूं, मान ले रहा हूं कि मॉड ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू 4 आ गया और मॉड ऑफ बी माइनस सी इक्वल टू 0 आ गया, तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 + 0 4 ही आएगा, 4 4 का मल्टीपुल है, या मॉड ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू 4 है और मॉड ऑफ बी माइनस सी इक्वल टू 8 है, तो जब जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 + 8 यानी 12 आ जाएगा, 12 भी 4 का गुणज है, मल्टीपुल है। इसका मतलब हुआ कि मॉड ये मॉड 4 का मल्टीपुल है, इस मॉड की वैल्यू 4 की मल्टीपुल है, तो इनका योगफल भी 4 का
मल्टीपल होगा, ये जो है इसका मान होगा चार का गुणज यानी मल्टीपल होगा, क्या आएगा डी भी कैंसिल हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी चार का गुणज होगा, इम्प्लाइज दैट ए सी बिलोंग्स टू आर। यही डिफिनेशन है संक्रामक के लिए कि यदि ए बी बिलोंग्स टू आर तथा बी सी बिलोंग्स टू आर तो ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। लिखेंगे चूंकि ए बी बिलोंग्स टू आर तथा बी सी बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाइज दैट ए सी बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाइज दैट क्या है आर संक्रामक है। क्वेश्चन में हमारे क्या था कि सिद्ध कीजिए प्रत्येक संबंध तुल्यता संबंध है, तो चूंकि कोई संबंध तुल्यता संबंध तब कहलाता है जब वह स्वतुल्य हो, जब वह सममित हो और जब वह संक्रामक हो, तो तीनों है। तो लिखेंगे चूंकि आर स्वतुल्य कामा सममित तथा संक्रामक है, इसलिए आर क्या होगा तुल्यता संबंध होगा, आर तुल्यता संबंध है। बात समझ में आ गई, इस तरह से हमारा इसका सोल्यूशन पहले पार्ट कंप्लीट हो गया। दूसरा पार्ट देखते हैं, सेट हमारा वही है, रिलेशन की डिफिनेशन बदल गई है, तो सेट लिख लेते हैं ए इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू जेड सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो लेस देन आर इक्वल टू 12, और रिलेशन हमारा आर इज इक्वल टू जो दिया हुआ है, रिलेशन इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू है ए बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी, इसको लिख ले रहे हैं इसके एलिमेंट को, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है ये समुच्चय निर्माण विधि में, इसको रोस्टर फॉर्म में लिख ले रहे हैं तो क्या आ जाएगा, इसके पहले जो था वही चीज है 0, 1, 2 डॉट 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 12 तक इसमें एलिमेंट सेट के अंदर। रिलेशन हमारा डिफाइन है ए बी सच दैट ए इक्वल टू बी, इसका मतलब जो रिलेशन का एलिमेंट है वो ऑर्डर पेयर के रूप में, इसका ऑर्डर पेयर ए बी कर्मित युग्म ए बी का पहला कंपोनेंट और दूसरा कंपोनेंट सेम है, एक जैसा तो सेम है, तो ए के एलिमेंट क्या है 0, 1, 2, 3, 12 तक, ए बी क्या हो जाएगा ए बराबर 0 है तो बी बराबर भी 0 हो जाएगा, तो 0, 0 हो गया पहला एलिमेंट, ऐसे ही 1, 1, 2, 2, 3, 3 एंड सो ऑन कहां तक 12, ये हो गया इसके एलिमेंट। आप देख रहे हो 0, 0, 1, 1 ये सब जो है एक ही तरह के हैं, सेम है यानी स्वतुल्य एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है, तो लिखेंगे स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए क्या होना चाहिए, डेफिनेशन है कि ए ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए, तो ए इक्वल टू क्या है 0, इसका मतलब इसमें 0, 0 बिलोंग करना चाहिए, है कि नहीं है, है। फिर ए इक्वल टू 1 लेंगे तो 1, 1 होना चाहिए सेट के अंदर, 1, 1 भी है, 2, 2 भी है, 3, 3 भी है, अब तो 12, 12 लिखेंगे क्योंकि 0, 0 कामा 1, 1 कामा 2, 2 डॉट 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 12, 12 बिलोंग्स टू रिलेशन आर, आर में बिलोंग कर रहा है तो बिलोंग कर रहा तो हमारा काम हो गया, इम्प्लाई दैट आर क्या है, आर एक स्वतुल्य संबंध है। बात क्लियर हो गई, चलिए एक स्टेप हमारा पूरा हो गया।
अब दूसरा स्टेप क्या है, सममित का। तो सममित के लिए आप क्या जानते हो, सममित के लिए आप जानते हो कि इस रिलेशन के अंदर अगर ए बी है, ए बी बिलोंग्स टू आर, तो उस रिलेशन के अंदर बी ए भी अगर है तो हम कहेंगे कि वो रिलेशन सममित है। तो आप देखिए ए बी बिलोंग्स टू आर तो बी ए बिलोंग, तो ए बराबर, तो ए और बी बराबर भी हो सकते हैं, तो जीरो जीरो का सममित जीरो जीरो ही है, जीरो जीरो लिखेंगे, जीरो जीरो बिलोंग्स टू आर इंप्लाई दैट जीरो जीरो बिलोंग्स टू आर, क्योंकि ए बराबर बी है। ऐसे वन वन के लिए भी है, वन वन बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट वन वन बिलोंग्स टू आर, डॉट डॉट डॉट, है ना। तो चूंकि ए बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट बी ए बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट आर क्या है, सममित है। अब संक्रामक सिद्ध करते हैं, संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए क्या जानते हो, संक्रामक के लिए आप यदि ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, तो क्या होना चाहिए, ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए फॉर ऑल ए बी सी ए के अंदर बिलोंग करने चाहिए। अब देखिए आप तो जीरो जीरो के लिए जहां पर जीरो जीरो है, वन वन है, इसके अलावा जो है ऑर्डर पेयर के अंदर नंबर ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट और नंबर ऑफ सेकंड कंपोनेंट सेम हो, तो उस तरह का रिलेशन जो होता है वो स्वतुल्य भी होता है, सममित भी होता है और संक्रामक भी होता है। क्योंकि इसी जीरो को लेंगे हम, ऐसे जीरो जीरो है, फिर जीरो जीरो है, फिर यहाँ सेम है, यहाँ सेम है, फिर जीरो जीरो, फिर इसमें है जीरो जीरो। तो इस तरह से जो है वन वन के लिए भी ऐसे करेंगे, वन वन, वन वन, तो हो गया यहाँ पर आ जाएगा वन वन, यहाँ वन है, वहां वन है, तो वन वन आ गया, यही है। तो यही था ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, तो ए सी बिलोंग्स टू आर। तो चूंकि यहाँ पर बी, ए और बी सेम है और बी और सी भी सेम है, इसका मतलब ए बी सी ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी है। तो ऐसी सिचुएशन में ये जो है क्या होता है, ये रिलेशन क्या होता है, स्वतुल्य भी होता है, सममित भी होता है, संक्रामक भी होता है। इसको डायरेक्ट ऐसे ही आप यही लिख करके भी जो है अपना आंसर दे सकते हो, सोल्यूशन कर सकते हो, है ना। तो क्योंकि ए बी बिलोंग्स टू आर तथा बी सी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट ए सी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट आर संक्रामक है। अब आर स्वतुल्य भी है, लिखेंगे चूंकि आर स्वतुल्य कामा सममित कामा संक्रामक है, देयरफॉर आर क्या होगा, तुल्यता संबंध, आर तुल्यता संबंध। अब इसमें फिर आगे कह रहे हैं कि प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास क्वेश्चन के दो पार्ट थे, इसका मतलब है एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात कर दिए जाए कि एक से संबंधित अवयव कौन कौन से हैं। तो अवयव इस रिलेशन में एक का संबंध सिर्फ एक से है, और इस रिलेशन में भी देख रहे हैं एक का संबंध एक से है, ऐसे इस रिलेशन में भी वन वन आया था, ठीक है, एक का संबंध एक से है। तो लिखेंगे प्रत्येक दशा में, प्रत्येक दशा में एक से संबंधित, एक से संबंधित
समुच्चय बराबर उसके अंदर सिर्फ एक ही आएगा, जैसे वन का वन से रिलेशन है, ऐसे ही इस रिलेशन में भी वन का वन यानी एक का एक ही से था और किसी से नहीं था। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं एक का एक से और एक का किसी से नहीं, इसे पहले ही तो इसका मतलब हुआ कि यही जो है प्रत्येक दशा में एक से संबंधित समुच्चय बराबर एक होगा। क्लियर, इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो ये दिया हुआ नीचे। पहला पार्ट है सममित हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो और ना संक्रामक। अब तक आपने एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन थे उस क्वेश्चन में रिलेशन दिया रहता था और उस रिलेशन को चेक करना होता था कि बताइए ये स्वतुल्य है कि नहीं है, सममित है कि नहीं सममित है, संक्रामक है कि नहीं है, ये चेक करना होता था। तो जब आप चेक करना जानते हो, चेक करने के पास आपके पास इंस्ट्रूमेंट है, फार्मूला है, तो आप रिलेशन बना भी सकते हो। तो पहला पार्ट है सममित हो, कोई ऐसा रिलेशन बनाना है जो सममित हो, स्वतुल्य ना हो, संक्रामक ना हो। तो अब स्वतुल्य कब होता है इसको देख लीजिए। तो पहले यहां पर हम स्वतुल्य के लिए क्या होता है लिख देते हैं, स्वतुल्य कब होता है, ए बी ए ए बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। और सममित कब होता है, सममित के लिए क्या होता है, आपको ये सब फार्मूला याद होना चाहिए, ए बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट बी ए बिलोंग्स टू आर हो। और संक्रामक के लिए क्या होता है, संक्रामक के लिए होता है कि यदि ए बी बिलोंग्स टू आर तथा बी सी बिलोंग्स टू आर तो ए सी बी बिलोंग करना चाहिए आर में, यही है। अब ये अगर आपका क्लियर है तो बता, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। माना कोई समुच्चय ए है जिसके एलिमेंट है 1, 2, 3, इसी से रिलेशन कायम कर रहे हैं। तो इसका हो जाएगा रिलेशन आर इज इक्वल टू करें सममित हो, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को ऐसे शॉर्ट में लिख लिया है ताकि जो है आसानी हो लिखने में, सममित हो। तो पहले सममित का हम रिलेशन लिखेंगे, सममित के लिए क्या है, ए ए बिलोंग्स टू आर, क्या है ए ए बिलोंग्स टू आर, तो क्या हो जाएगा इसका, नहीं सॉरी, सममित के लिए होता है 1, 2, ए बी बिलोंग्स टू आर तो बी ए बिलोंग्स टू आर, यानी 1, 2 बिलोंग्स टू आर तो 2, 1 बिलोंग्स टू आर, तो हो जाएगा 1, 2, 2, 1, ये हो गया हमारा रिलेशन। ए बी है तो बी ए है, आर और भी रिलेशन बन सकता है। अगर एग्जाम में पूछा गया है मान लिया इफ ए इक्वल टू 1, 2, 3, तो एक ऐसा रिलेशन बनाइए जो सममित हो। तो अगर आपने 1, 2, 2, 1 बनाया तो भी सही है। अब कोई लगा अगर ऐसे बनाया है 2, 3, 3, 2 तो ये भी सही है, ये भी सममित है, क्योंकि ए बी है तो बी ए है, 2, 3 है तो 3, 2 है। क्लियर, ऐसे ही अगर कोई लड़का बनाया है और आर 1, 3 बनाया है तो क्या हो जाएगा इसका, 3, 1 हो जाएगा, तो ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही है, तो सममित तो है। अब चेक करते हैं कि ये स्वतुल्य है कि स्वतुल्य नहीं होना चाहिए इसको, तो पहले इसको चेक करते हैं 1, 2, 2, 1 को। तो स्वतुल्य के लिए क्या इसमें होना चाहिए, 1, 1 होना चाहिए, 2, 2 होना चाहिए, 3, 3 होना चाहिए, क्या है ना इसमें है ना इसमें है ना इसमें, तीनों में नहीं। संक्रामक के लिए क्या है, संक्रामक के लिए है कि 1, 2 है और 2, 1 है, तो इसके अंदर 1, 1 होना चाहिए, नहीं है। ऐसे यहां पर अगर इसको आपने लिखा आंसर में 2, 3 है, 3, 2 है, यानी ए बी है बी ए है तो ए सी होना चाहिए, यानी 2, 2 होना चाहिए, तो क्या इसके अंदर 2, 2 है, नहीं है। अगर आपने 1, 3 किसी बच्चे ने 1, 3, 3, 1 लिखा हुआ है तो 1, 3, 3, 1 है तो 1, 1 होना चाहिए इसके अंदर, तो क्या इस सेट के अंदर इस रिलेशन के अंदर 1, 1 है, नहीं है। तो आप इस तरह से ये रिलेशन जो आया
चाहे इसको आप लिखिए, चाहे इसको लिखिए, चाहे इसको लिखिए, तीनों सही हैं, लेकिन आपको सिर्फ एक ही लिखना है। मैंने समझाने के लिए तीन तीन ऑप्शन थे, तीन तीन पॉसिबिलिटीज थी, तीनों पॉसिबिलिटी मैंने लिख दिया। अब आइए, संक्रामक हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो और ना सममित हो। रिलेशन एक ऐसा लिखना है जो संक्रामक हो। संक्रामक क्या होता है? एबी बिलोंग्स टू आर, बीसी बिलोंग्स टू आर, तो एसी बिलोंग्स टू आर। तो यहां पर क्या हो जाएगा? बहुत आसान है, वन टू, वन टू आएगा, फिर टू थ्री, फिर वन थ्री, हो गया आंसर हमारा। वन टू है, यहां दो है, यहां भी दो है, तो वन थ्री होना चाहिए, तुम्हारा वन थ्री भी है, ये संक्रामक तो हो गया हमारा। अब देखते हैं स्वतुल्य है कि नहीं है, तो स्वतुल्य के लिए उसमें वन वन होना चाहिए, टू टू होना चाहिए, थ्री थ्री होना चाहिए, जो कि नहीं है, इसलिए स्वतुल्य नहीं है। सममित के लिए, सममित के लिए वन टू अगर इसमें है तो टू वन होना चाहिए, तो टू वन इसमें नहीं है, टू थ्री है तो थ्री टू होना चाहिए, थ्री टू नहीं है, वन थ्री है तो थ्री वन होना चाहिए, थ्री वन नहीं है, इसलिए ना तो ये स्वतुल्य है ना सममित है, सिर्फ संक्रामक। बात समझ में आ गई? आइए तीसरा पार्ट, और आप भी बना सकते हैं, स्वतुल्य तथा सममित हो। अब दूसरा एक रिलेशन ले लेना है, स्वतुल्य हो तो स्वतुल्य के लिए क्या होगा? इसके अंदर वन टू थ्री एलिमेंट है तो वन वन होना चाहिए, ठीक है, फिर टू टू होना चाहिए, फिर थ्री थ्री होना चाहिए, ये तो स्वतुल्य हो गया। और सममित भी होना चाहिए, क्या होना चाहिए? सममित भी होना चाहिए, तो सममित के लिए स्वतुल्य तथा सममित हो, ठीक है, तो आगे हो जाएगा कामा, और संक्रामक ना हो तो वन टू हो जाएगा, वन टू कामा टू वन हो जाएगा, टू थ्री कामा थ्री थ्री टू, ये हो गए। अब देखिए स्वतुल्य के लिए वन वन होना चाहिए, क्योंकि तीन एलिमेंट वन टू थ्री है, तो वन वन टू टू थ्री थ्री, ये तो कंडीशन पूरी है, इसका मतलब स्वतुल्य है। अब इसे सममित भी होना चाहिए, तो सममित के लिए क्या है? वन टू है तो टू वन होना चाहिए, टू थ्री है तो थ्री टू होना चाहिए, आप कह सकते हो टू वन है तो वन टू होना चाहिए, थ्री टू है तो टू थ्री भी होना चाहिए, चलिए सममित भी हो गया। संक्रामक नहीं होना चाहिए, संक्रामक नहीं होना चाहिए। संक्रामक होने के लिए क्या है? यदि ए बी बिलोंग्स टू आर और बी सी बिलोंग्स टू आर, तो ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर आप कह सकते हो कि सर वन टू बिलोंग कर रहा है और टू वन भी बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ टू है, यहाँ टू है, तो इसमें वन वन भी बिलोंग कर रहा है, वन वन बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब वन टू है, टू वन है, तो वन वन आ गया, और यही जो है संक्रामक के लिए कंडीशन है, चलिए ठीक है। फिर आगे चेक करते हैं, वन टू, वन टू है तो टू थ्री भी तो है इसी में, इसी में टू थ्री भी है, तो टू है, यहाँ पर टू है, इससे क्या होगा? वन थ्री आना चाहिए, तो चलो वन थ्री आना चाहिए इसमें, तो वन टू टू वन पर तो ये संक्रामक है हमारा, क्योंकि वन वन इसमें मिल रहा है, लेकिन वन टू और टू थ्री जब ले रहे हैं, इसको इसको ले रहे हैं, तो आना चाहिए वन थ्री। क्या इस रिलेशन में वन थ्री है? इस रिलेशन में वन थ्री नहीं है, जब वन थ्री नहीं है तो ये जो है संक्रामक नहीं होगा। बस समझ आ गई? इसका मतलब ये रिलेशन स्वतुल्य है, सममित है, किंतु संक्रामक नहीं है। अब देखते हैं अगला पार्ट, स्वतुल्य हो, संक्रामक हो, परंतु सममित ना हो, ये रिलेशन देखते हैं। आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्वतुल्य, स्वतुल्य का मतलब वन वन टू टू थ्री थ्री, वन वन टू टू और थ्री थ्री, ये तो स्वतुल्य हो गया। संक्रामक के लिए होना चाहिए क्या? कि
संक्रामक यही है कि ए बी बिलोंग्स टू आर तथा बी सी बिलोंग्स टू आर, तो ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो अब क्या लिखते हैं इसमें, क्या लिया जाए, वन 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 है तो हमको और लेना चाहिए, क्या लिया जाए, वन टू। तो हमारा वन वन हो गया, टू टू हो गया, थ्री थ्री हो गया, तो ये समतुल्य हो गया। अब संक्रामक लेना है तो हो जाएगा वन टू, वन टू और वन थ्री, वन टू टू थ्री हो जाएगा वन थ्री, वन टू वन टू थ्री और वन थ्री। देखिए वन वन है, टू टू है, थ्री 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 है, तो स्वतुल्य हो गया। और संक्रामक के लिए क्या होना चाहिए, देखिए वन टू है तो फिर ये टू से शुरू हो रहा, टू थ्री तो वन थ्री होना चाहिए, तो इसके अंदर वन थ्री है, बात समझ आ रही है। तो हमारा संक्रामक भी हो गया। सममित नहीं होना चाहिए, तो सममित नहीं है, क्यों, क्योंकि वन टू है तो टू वन होना चाहिए, नहीं है, टू थ्री है तो थ्री टू होना चाहिए, इसके अंदर नहीं है, वन थ्री है तो थ्री वन होना चाहिए, वो भी नहीं है। इस तरह ये जो है, इस तरह से ये रिलेशन हमारा स्वतुल्य है, संक्रामक है और सममित है। और लास्ट रिलेशन पांचवा जो है इसको देखते हैं, आर इक्वल टू क्या जाएगा, कह रहे सममित हो, संक्रामक हो और स्वतुल्य हो। तो सममित के लिए वन टू अगर है, इसमें टू वन होना चाहिए, और चूंकि ये दो है, यहाँ पर भी दो है, तो संक्रामक के लिए क्या आना चाहिए, वन वन होना चाहिए इसमें। तो अब जो है वन टू है तो टू वन है, इसलिए सममित हो गया ये रिलेशन। अच्छा वन टू है, टू वन है, तो ये बी है, ये बी है, तो वन वन होना चाहिए, वन वन है, इसलिए संक्रामक हो गया। स्वतुल्य इसलिए नहीं है क्योंकि इसके अंदर वन वन तो आया है बट टू टू और थ्री थ्री नहीं आया। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व हो गया। अगर आप को दिक्कत हो रही हो, प्रॉब्लम हो रही हो, तो आप जो है इंट्रोडक्टरी लेक्चर जो दिया हुआ शुरू शुरू में, यानी इसमें परिचय दिया गया है, वहाँ पर आप जाइए, उसको फिर से एक बार पढ़िए, वीडियो को देखिए, सुनिए और उसकी प्रैक्टिस करिए, तभी जो है फंडामेंटल आपका क्लियर होगा।